Namaste. I'm Dr. Maitreyi and I follow sustainable living. So when Gaurav from Kuda Bazaar asked me to share my views on waste management, I was more than happy to do so. Thank you Kuda Bazaar for giving me this opportunity. मेरे वेस्ट मैनेजमेंट जर्नी के बारे में बात करें तो वो शुरू हुई थी जब मुझे किसी ने बताया था कि रास्ते पे कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है। वो मेरा पहला लेसन था। सेकंड लेसन आया जब सरकार ने हमें बताया कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग रखना है, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी उसमें अलग अलग ही देना है। तीसरा लेसन आया व्हेन आई स्टम्बल्ड अपॉन सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग मतलब क्या? बेसिकली इट मीन्स टू फॉलो ऑल द आर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आर्स दैट इज रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिपर्पज। सो बेसिकली आप आपका जो इच्छा है और वॉन्ट और नीड है उसमें डिसाइड करके रिफ्यूज करते हो कि चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा, जो चीजें हैं उसको अच्छी तरह से रियूज करते हो, रिपर्पज करते हो। दैट हेल्प्स इन वेस्ट मैनेजमेंट, जो मैं एक तरीका है जिससे कंट्रीब्यूट कर रही हूँ वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने कंपोस्टिंग करना शुरू किया है। फिलहाल तो बहुत छोटे घर में रहती हूँ लेकिन फिर भी ये 1 किलो के दही के डब्बे में मैंने कंपोस्टिंग करना शुरू किया है, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है और इट्स गिविंग मी इमेंस प्लेजर एंड आई फील एवरीवन शुड एक्सपीरियंस दिस जॉय ऑफ कंपोस्टिंग, स्पेशली इन दिस वीक विच इज कंपोस्टिंग अवेयरनेस वीक। इट इज सो एप्ट टू टॉक अबाउट कंपोस्टिंग। पहले मुझे केले के छिलके में एक गीला कचरा दिखता था लेकिन अभी उसमें मुझे खाद कंपोस्ट दिखता है। सो मेरे हिसाब से वेस्ट ये जो है एक संकल्पना है जो मैन मेड है। अगर आप नेचर में देखेंगे तो कुछ वेस्ट नहीं है, हर एक चीज का कुछ उपयोग है, हर एक चीज मायने रखती है। सो ये जो वेस्ट है ये मैन मेड कॉन्सेप्ट है और हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेवल पे लेनी चाहिए। अगर हम हर कोई अपने लेवल पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो सरकार भी अपनी जो पॉलिसी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है और वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि हर कोई कंपोस्ट करना नहीं शुरू कर सकता या हर कोई जीरो वेस्ट, मतलब कोई वेस्ट ही प्रोड्यूस नहीं करना है डे टू डे लाइफ में, नहीं कर सकता। जो आप कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है, आप कर रहे हो वो ही बहुत मायने रखता है। जब आपको ज्यादा पता चलेगा, बेहतर पता चलेगा और जब आप उसके लिए रेडी हो तब आप वो ट्राई कीजिए। दैट इज वॉट इज द जर्नी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन एवरी पर्सन लाइफ विच इज डिफरेंट। जैसे मैंने बोला कि वेस्ट एक संकल्पना है, उसको एक देखने का तरीका है, एक एंगल है। अगर आप देखेंगे गौरव और उसकी टीम जो कर रही है, बेसिकली लोगों ने जो नहीं चाहिए था, जो वेस्ट था लोगों के लिए, उससे जमा करके उससे कलाकृतियां बना रही है। कितनी सुंदर और कितनी अप्रतिम कलाकृतियां है ये। सो इट इज अ टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट विच इज getting repurposed, the waste is getting repurposed in a different way, different angle and which is beautiful, which is commendable। जो गौरव और उसकी टीम कर रही है वो आज के दिनों में बहुत मायने करता है, ना कि सिर्फ वाराणसी में बट हर जगह वो बहुत मायने रखता है। वो आज मायने रखता है और वो कल भी मायने रखेगा। सो बहुत बहुत बधाइयां गौरव और कूड़ा बाजार टीम के लिए कि ये जो काम कर रहे हैं, और दिल से शुभकामनाएं आगे वाले सारे कामों के लिए। एंड थैंक यू अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट। आई होप एवरीबडी स्टार्ट्स कंपोस्टिंग एट होम।